चलिए तो स्टूडेंट्स वेलकम यू इन बेसिक इंस्टीट्यूट। अब देखिएगा आप सब कुछ सही है क्या, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, अब बफरिंग हो रही है क्या? अगेन वीडियो अपन ने स्टार्ट किया है। अगेन वीडियो स्टार्ट किया, देखिएगा एक बार कि अब बफरिंग हो रही है क्या, चेक करिए। चलिए अब ओके होगा आई थिंक, है ना? अब देखिए अब ओके होगा सभी, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था हमारा वो ये क्वेश्चन था कि सर्कुलर शाफ्ट है जो कि ट्रांसमिट कर रही है टॉर्क, और वो कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है, 5 किलोटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है। और इफ द टॉर्क इज रिड्यूस टू 4 किलोटन मीटर, अगर टॉर्क रिड्यूस होता है 4 किलोटन मीटर का, है ना, देन द मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मोमेंट क्या होगी। तो ये इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो टॉर्क आ रहे हैं तो दो टॉर्क तो कैसे पुट कर पाओगे। तो इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर टी इक्विवेलेंट टॉर्क 5 किलोटन मीटर का स्क्वायर और रिड्यूस हो गया 4 किलोटन मीटर का स्क्वायर, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 3 किलोटन मीटर, ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब अपन कह रहे हैं कि सर जैसे इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इक्विवेलेंट मोमेंट, ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। बताइएगा क्या फॉर्मूला होगा, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जल्दी से बताइए क्या फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट मोमेंट का। और देखिएगा सब कुछ अब क्लियर चल रहा है ना, एक बार देख लिए सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं है अब तो बताइएगा फिर इक्विवेलेंट मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से इक्विवेलेंट मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो इक्विवेलेंट मोमेंट के फॉर्मूले की बात करें तो कितना होता है, हाफ एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये होता है। याद रखिएगा ये है आपका किसका फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मूवमेंट का। तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मूवमेंट के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल, तो हमने कहेंगे कि सर हाफ एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को, बताइएगा क्लियर हुआ सभी को। चलिए तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इसके लिए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट फाई अंडर एक्सियल टेंशन। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी जो है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा ये आपको बताना है। सिग्मा स्क्वायर बाय 8e, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, सिग्मा स्क्वायर बाय 16e या सिग्मा स्क्वायर बाय 4e, बताइएगा। स्ट्रेन एनर्जी तो अपन कहते हैं कि सर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्या होगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अपन कर सकते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेन ऐसे कर दो आप स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाय ई, तो ये हो गया सिग्मा बाय 2 और ये हो गया सिग्मा बाय ई, तो क्या हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, ऑप्शन नंबर सी कितना होगा आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। ठीक है क्लियर हुआ सभी को, अरे अब तो बफरिंग नहीं कर रहा ना, दोबारा स्टार्ट कर दिया अपन ने। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, जो मटेरियल के अंदर स्टोर होती है, और स्ट्रेन एनर्जी कि जब अपन साइक्लिक वगैरह लोडिंग लगाते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, और एक पॉइंट पे जब स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड कर जाएगी तो क्या होगा मटेरियल का फेलियर होगा। तो ये क्या किसके अंडर का एरिया होता है, तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू व्हाट लिमिट, बताइएगा कि सर ये एरिया होता है एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन का अप टू व्हाट लिमिट, किस लिमिट तक का एरिया अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं, बस ये बताइए फास्ट जितने भी स्टूडेंट्स है अप टू व्हाट लिमिट। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है,
इसके अंदर जो इलास्टिक लिमिट तक का एरिया होता है इसकी स्थिर एनर्जी को बताता है। ठीक है, डन। चलिए आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्जनल मोमेंट टी इज गिवन बाय। एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला बताइएगा जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है फास्ट एक बार एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला बताइएगा। सर्कुलर शाफ्ट है अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्जनल मूवमेंट, उस पर टॉर्जनल मूवमेंट लग रहा है टी, तो कौन सा फॉर्मूला होगा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट का, जल्दी बताइए एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला क्या होगा फिर। तो हमने कहा कि सर एंगल ऑफ ट्विस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो ये होगा आपका टी बाय आर टॉ बाय आर टी बाय जे और जी थीटा बाय एल। तो यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर अपने को थीटा निकालना है, तो ये दोनों अपन लेंगे टी बाय जे टॉ बाय आर और ये जी थीटा बाय एल। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, थीटा को इधर रखा टी एल बाय जी जे, क्या होगा टी एल बाय जी जे। क्लियर हुआ सभी को, बताइएगा सभी को क्लियर हुआ टी एल बाय जी जे। अब यहां पर बात आती है कि सर ये क्या क्या चीजें हैं, ये भी आपको जाननी जरूरी है। तो हमने कहा यहां पर ये तो है आपका टॉर्जनल मोमेंट है ना, टॉर्क जिसको कह सकते हैं, स्मॉल टॉ जो है ये शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है ना। आर रेडियल डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप तक की, और ये जी जो होता है ये आपका शियर मॉड्यूलस है, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। थीटा ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट है, लेंथ ऑफ शाफ्ट है, और जे जो है ये है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई बोल दो या जे बोल दो, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई 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 का सम होता है, आई जेड बोल दो या आई बोल दो, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का सम होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गई सारी बातें, तो ये भी अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कह रहे हैं कि सर टू शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है एंड मटेरियल भी सेम है, आर जॉइंट इन अ सीरीज, इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज टू देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी। देखो दो क्वेश्चन आते हैं कि जब शाफ्ट सीरीज में कनेक्टेड है, जब शाफ्ट पैरेलल कनेक्टेड है, तो दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जब शाफ्ट सीरीज में कनेक्टेड है, जब शाफ्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो हमने कहा कि सर ठीक है दो शाफ्ट है, लेंथ सबकी सेम है, मटेरियल भी सेम है, सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर है ना, डी वन बोल दो, डी वन बाय डी टू इज टू, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज टू, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा वन बाय थीटा टू का रेशियो पूछ रहा है कि कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर हुआ। अब बात ये आती है कि सर बात ठीक है कि दो शाफ्ट है सीरीज में कनेक्टेड है, तो अब सीरीज के अंदर क्या रिलेशन होगा थीटा का, वो पता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, सीरीज के अंदर क्या रिलेशन होगा थीटा का, हमें बस वो पता होना चाहिए, और पैरेलल में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए। अगर सीरीज का पता है पैरेलल का पता है तो केवल वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो सर सीरीज में क्या रिलेशन होता है, तो सीरीज के अंदर थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू होता है, क्या होता है थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करो कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू यहां पर कर दो, अभी देखा था टी एल बाय जी जे होता है, अरे टी एल बाय जी जे होता है कि नहीं होता है, ये देखो इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि थीटा निकाला क्या था, थीटा का फॉर्मूला निकल गया टी एल बाय जी जे, निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीरीज के अंदर बस याद रखा थीटा वन इज इक्वल थीटा टू होता है, और पैरेलल के अंदर क्या होगा, पैरेलल के अंदर थीटा वन प्लस थीटा टू होगा, याद रखिएगा पैरेलल के अंदर क्या होगा,
1 प्लस थीटा 2 होगा, वहां पर सम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दो, है ना। ये हो गया टी एल जी जे, ये वन, ये टू, ये टू, ये वन वन, ये टू टू। अब क्या क्या चीजें यहाँ से कट होंगी ये जरा बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर कट होने वाली है, कौन सी चीजें सेम है जो कट होंगी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, कि क्या क्या चीजें यहाँ पर कट होगी और किसकी वैल्यू हम पुट करेंगे केवल, इतना सा बता देना। क्या क्या चीजें कट होगी और किसकी वैल्यू केवल पुट करेंगे, मैं इतना सा बता दो। तो सर बोला है कि सेम लेंथ है, सेम लेंथ बोला तो एल वन इज इक्वल टू एल टू हो गया, तो ये एल वन एल टू कैंसल आउट। अब बात करें नेक्स्ट, मटेरियल भी सेम है तो जी वन इज इक्वल टू जी टू हो जाएगा, है ना, शियर मॉडुलस भी आपका सेम हो जाएगा, और सीरीज में है तो टॉर्क भी क्या होगा आपका सेम होगा। तो केवल क्या और क्या बचा, वन अपॉन में जे वन इज इक्वल टू वन अपॉन में जे टू, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो बच गया, केवल क्या बच गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो बच गया। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो शाफ्ट है वो उसका कैसी होती है, सर सर्कुलर है और डायमीटर भी दे रखा है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई का सम होता है, और ये कल भी बताया था पाई बाई 64 डी 4 प्लस पाई बाई 64 डी 4, तो कितना आ जाता है पाई बाई 32 डी 4, क्लियर हो गया पाई बाई 32 डी 4, तो ये क्या हो गया आपका पाई बाई 32 डी 4, तो ये भी हो गया पाई बाई 32 डी 4। तो हमने कहा कि अब करना क्या रह गया सर, इनका रेशो कर दो, इनका रेशो कर दो जे वन बाय जे टू, जे वन जो लिखोगे पाई बाय 32 डी वन का 4 और ये पाई बाय 32 डी टू का 4, यही करोगे है ना। तो हमने कहा कि फिर क्या होगा, तो इस कंडीशन में पाई बाय 32 पाई बाय 32 कैंसल, डी वन बाय डी टू का रेशियो गिवन गिवन है कितना है सर 2 है, डी वन बाय डी टू का रेशियो 2 है, तो अपन इसको लिख दे डी वन बाय डी टू की पावर 4, और रेशियो कितना है डी वन बाय डी टू का है आपका 2, तो 2 की पावर 4, तो कितना होगा 2 जब 4 हो जाएगा 2 16, तो 16 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी 16 आंसर आ गया। क्लियर सभी को, बताओ बताइए सभी को क्लियर है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। तो थीटा को बराबर कर दिया, तो ये थीटा 1 ये हो गया आपका थीटा 1 बाय थीटा 2, थीटा 1 बाय थीटा 2 इज 16, तो ऑप्शन नंबर डी 16। तो बस ये याद रखना है कि वहां पर सम होगा पैरेलल में और सीरीज के अंदर इक्वल होगा, यहां पर सम होगा और सीरीज में क्या होगा सर इक्वल होगा, यहां तक भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन एक और क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फॉर अ हॉलो शाफ्ट, बस यहां पर ये चीज नहीं है और यही कंसेप्ट है, कह रहे हैं कि सर शाफ्ट कैसी है, एक हॉलो शाफ्ट है जिसमें दो डायमीटर होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल, हॉलो बोल दिया तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द टोरोजनल सेक्शनल मॉड्यूलस विल बी अप्रोक्सीमेटली, टोरोजनल सेक्शनल मॉड्यूलस कितना होगा, जब एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है जिसमें दो डायमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का है, तो सबसे पहले तो टोरोजनल सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, और सर ये होलो सर्कुलर शाफ्ट का जो कंसेप्ट है वो क्या लगने वाला है यहाँ पर, ये बता दो बस, ये जिस चीज को पता है उसका आंसर वैसे भी आ गया, फिर तो क्या है फॉर्मूला पुटेंगे, वैल्यू पुट करनी और आंसर आपका आ जाएगा। बताइएगा होलो सर्कुलर शाफ्ट है मतलब इसमें इसमें आपके दो सर्किल है, ये एक और ये दो। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सर एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर है
10 सेंटीमीटर, ये इंटरनल डायमीटर है, और ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। डन, ये आपका होलो सर्कुलर शाफ्ट है। तो एक्सटर्नल 10 है, इंटरनल 5 सेंटीमीटर, दो डायमीटर है, और टोरोजन सेक्शनल मॉड्यूलस आपको निकालना है। ये बताएगा सर, टोरोजन टोरोजनल सेक्शनल मॉड्यूलस क्या होता है? देखो, टोरोजनल सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, जल्दी बताइए। देखते हैं कितनों का आंसर आता है कि सर क्या है टोरोजन सेक्शन मॉड्यूलस। तो सेक्शन मॉड्यूलस जो होता है वो होता है आपका आई बाय वाई, पढ़ रखे हैं अपन ने, सेक्शन मॉड्यूलस जेड बेंडिंग के अंदर आई बाय वाई होता है। ये तो हो गया आपका सेक्शन मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। और यहां पर तो सर कुछ और पूछा, टोरोजनल सेक्शन मॉड्यूलस मतलब यहां पर जो पूछा है टोरोजन सेक्शन मॉड्यूलस, ये हो जाएगा आपका आई की जगह आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में वाई। ये हो जाएगा टोरोजन के अंदर, टोरोजन के अंदर सेक्शन मॉड्यूलस है ना, टोरोजन के अंदर सेक्शन मॉड्यूलस। जहां पर आई बाय वाई लिखते हैं वहां पर अपन क्या लिख देंगे, उसकी जगह अपन लिख देंगे आई पी बाय वाई लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है। और आई पी अपन सब जानते हैं किसके लिए, होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए। तो पाई बाय 64 तो होता है आपका डी आउटर फोर माइनस डी इनर फोर, तो होता है वो आपका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर पोलर में क्या हो जाएगा, पोलर में क्या हो जाएगा, तो सभी को पता है सर वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाता है। तो यहां पर जो आई पी होगा जो हो गया पाई बाय 32, यहाँ पर डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4, डी आउटर का 4 और डी इनर का 4, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हो होलो के लिए तो पाई बाय 64 डू आउटर 4 और माइनस डी इनर का 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फास्ट वैल्यू पुट करके। और यहाँ पर पुट किया तो पाई बाय 32, डी आउटर कितना है 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको रिजोल्व करो और देखो क्या वैल्यू आ रही है आई पी की, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर इसको रिजोल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, मैं बता जाता हूँ। यहाँ पर ये यह आंसर आएगा आपका, सॉल्व करके देखिएगा, ये पाई बाय 32 हो गया, ये 4 हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 इंटू 75 ऐसा बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर वाई जो है वाई मैक्स, ये वाई मैक्स कितना होगा, वाई मैक्स कितना होगा, ये डी आउटर हो गया और ये डी इनर हो गया, तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा हाफ हो जाता है। और किसका हाफ होगा सर, आउटर का हाफ हो जाएगा, किसका हो जाएगा आउटर का हाफ होगा, मतलब 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डी आउटर बाय 2 कर देंगे, इसी को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका टोरोजन सेक्शन मॉड्यूलस डी आउटर बाय 2, तो 10/2। इसको रिजोल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है, इसको रिजोल्व करके देखो कितना आ रहा है, 368 आ रहा है, 538 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ रहा है। तो यहाँ से आएगा आपका 184, कितना आएगा ऑप्शन 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो बात याद रखनी है, होलो सर्कुलर शाफ्ट की बात याद रखनी है, टोरोजन सेक्शन मॉड्यूलस है तो आई पी बाय वाई आ जाएगा, पर आईपी जो होता है होलो के लिए पाई बाय 32 डी आउटर 4 माइनस डी इनर का 4। यहां से इसको रिजॉल्व करोगे वाई जो हो जाएगा वो आउटर का हाफ हो जाता है डायमीटर, तो 10/2, यहां पर 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा और यहां पर आंसर आपका आ जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था अपना आज का सेशन, अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद आपका सॉइल मैकेनिक्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसको, ठीक है? थोड़ी टेक्निकल इशू से क्लास थोड़ी सी आपकी छोटी रही है, कोई बात नहीं, कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है टॉर्जन इन शाफ्ट, याद रखिएगा वो चल रहा है टॉर्जन इन शाफ्ट। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर के अंदर विद इन 5 मिनट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।